अरे जिसका जलवा कायम है उसका नाम जिंदाबाद जिंदाबाद फरुखाबाद से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे सपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिए गए सपा नेताओं को पुलिस लाइन भेजा गया। बता दें बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरुखाबाद जनपद के दौरे पर थे। फरुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत क्रिश्चियन ग्राउंड पर मुख्यमंत्री की सभा थी। मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता गंगा एक्सप्रेस वे को फरुखाबाद से निकाले जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। प्रशासन को जैसे ही भनक लगी वैसे ही सपा नेताओं को क्रिश्चियन ग्राउंड के बाहर के रास्ते से ही हिरासत में लेने की योजना बनी। आनन फानन में पुलिस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे सपाइयों को हिरासत में लिया। सपा नेताओं का कहना था गंगा जी के नाम पर निकाला जा रहा एक्सप्रेस वे गंगा किनारे स्थित फरुखाबाद से न निकालकर शाहजहांपुर जनपद से निकाला जा रहा है, जिसका फरुखाबाद के लोगों ने विरोध किया। मिलने जा रहे थे आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या मामला ये? हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, यहाँ भाजपाई गुंडों ने बात प्रशासन के दम पर पुलिस प्रशासन द्वारा जबरिया हम लोगों को वापस कर दिया गया और कहा गया मुख्यमंत्री जी आप लोगों से नहीं मिल सकते। पुलिस प्रशासन हम लोगों को आगे जाने नहीं दे रहा, कर रहे हैं और भाजपाइयों से खुलेआम गुंडागर्दी करा रहे हैं ये प्रशासन के लोग। मुख्यमंत्री आपके साथ कोई अभद्रता वगैरह की क्या? हमारे साथ अभद्रता नहीं हुई लेकिन बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। वो लोग प्रशासन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, पुलिस प्रशासन आगे नहीं बढ़ रहा बढ़ने दे रहा है और वो बेवजह की नारेबाजी कर रहे हैं। हमारा जायज पक्ष था, हम लोग जायज पक्ष रखने जा रहे थे, गंगा एक्सप्रेस वे की मांग कर रहे थे और जो विगत दिवस इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आए थे वहां पर इनके बाजू में प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसका हम लोग यहां विरोध करने आए थे और उनको एक लिखित चिट्ठी देने के लिए आए थे। हम लोग ज्ञापन देने आए थे।